तो प्यारे बच्चों, आज जो शहीदी दिवस है, जो हमारे लिए प्राणों की आहुति दी है उन्होंने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 23 मार्च को, तो क्या हम उन चीजों को भूल गए या याद रखते हैं? याद करते हैं या रखते हैं? तो बेटा, जो भी चीजें होती है ना, जैसे भगत सिंह ने अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर क्यों की, किसी ने कभी गहराई से सोचा है? लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अंग्रेज लोग, इतने बड़े भारत के ऊपर उन्होंने अपने प्राण आपके लिए दिए। और यदि भगत सिंह जी की आत्मा आज कहीं है और वो इन चीजों को देख रही, तो बड़े उनके लिए कष्टदायक होगी, दुखदायक होगी। क्या उन्होंने अपने, जो सभी शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के ऊपर, क्या उनका सपनों का भारत बना? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जान लोकतंत्र के लिए दी। पूंजीवाद के भगत सिंह बहुत बड़े आलोचक थे। पूंजीवाद समझते हो, आप पढ़ते भी हैं। पूंजीवाद मतलब बहुत बड़े समाज के ऊपर थोड़े से लोगों का प्रभुत्व, चाहे वो संसाधन है, चाहे वो सत्ता है, चाहे वो आपके पूंजी है। और गांधीवाद, गांधीवाद का मतलब क्या था? कि सभी को संसाधन है, संपत्ति है, देश के हर नागरिक तय, चाहे वो 27 हर नागरिक को मिले। ये हमारे गांधीवाद के विचार थे। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमें इन चीजों को देखना चाहिए। क्या भगत सिंह के सपनों का भारत बना है? क्या लोकतंत्र अभी जिंदा है? क्या इस देश से भ्रष्टाचार चला गया? अभी आपके चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, सबसे बड़ा पर्व हमारे देश का त्योहार है, क्योंकि लोकतंत्र, जो हमारे राजा हम चुनते हैं, जो हमारे सांसद चुनते हैं, तो हमारे वोट की ताकत से वो बनते हैं। और वोट की ताकत हमें भगत सिंह जी जितने भी शहीद उन्होंने दिए, क्योंकि अंग्रेज तो वोटिंग प्रणाली करते ही नहीं थे, उनका तो डंडे का राज था, तानाशाही थी। तो ये हम आप लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है बेटा। अभी चुनाव होगी तो हम क्या देखते हैं? मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं बनिया हूं, यो मेरी जाति का है, यो हिंदू है, यो मुसलमान है, ये चीजें देख के हम वोट कर रहे हैं। फिर आप भगत सिंह के सपनों के भारत की कल्पना मत कीजिए, यदि आप ये चीजें देख रहे हैं। आप वोट कीजिए स्वास्थ्य के ऊपर, वोट कीजिए आप शिक्षा के ऊपर, वोट कीजिए आप जो आपका शासन प्रशासन वो कैसा चल रहा है, वो चीजें, आपको सुविधा, जो रोजी रोटी, कपड़ा आपको चाहिए, जरूरियात है गरीब आदमी की, क्या वो चीजें आपको मिल रही है? उनके ऊपर वोट कीजिए बेटा। भ्रष्टाचार के ऊपर वोट कीजिए, किसान के मुद्दे के ऊपर वोट कीजिए, मजदूर के मुद्दे के ऊपर वोट कीजिए, तब जाके भगत सिंह के सपनों का भारत होगा। नहीं तो बेटा, ऐसे ही आप लोग पीसते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, समर्थक भगत सिंह समाजवाद के थे, लेकिन पूंजीवाद के ये क्या थे? खिलाफ थे। और पूंजीवाद का मतलब क्या, वही बता दिया मैंने आपको। अब सड़कें बनना हमारे देश का दुर्भाग्य, क्योंकि हमारे संसद के अंदर आज बहुत से कानून हमारे पूंजीवाद, जो पैसे के बड़े बड़े लोग हैं ना, धन्ना सेठ, वो पास करवाते हैं। शर्म की बात है ना, एक रेहड़ी वाला पोलोथीन में केले की दर्जन देता है, कोई सेब देता है, उसके तो डंडे मार के उसको ये बोला जाता है कि आप पोलोथीन क्यों बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाली फैक्ट्री को कोई नहीं पकड़ता। वो कौन बना रहा, किसने बना, कहाँ से आया, मतलब बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ते, बीमारों को पकड़ते हैं। तो ये पूंजीवाद है बेटा। वहां से पैसे वाले तो कमा के, प्लास्टिक जिन्होंने पोलोथीन बना था बना दिया, लेकिन रेडी वाला तंग है। बड़ी बड़ी जो धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां, वहां पर हर दिन हजारों गाड़ियां बनती है, उनका कोई बिल का हिसाब रखने वाला नहीं, कितना बिजली का बिल लगा, कितना टैक्स दिया है। लेकिन आप लोग, कोई गरीब लोग कोई टैक्स नहीं देगा, तो उसके ऊपर कोई बिजली का मजदूर किसान टैक्स नहीं मतलब बिल नहीं भरता है, तो उसका मीटर फाड़ लेके ले जाओ या कुछ, उसका घर को सील कर देते हैं। ये पूंजीवाद व्यवस्था बेटा। तो इन चीजों के, क्योंकि अब आपके ऊपर डिपेंड बेटा, आप आने वाली पनीरी है, प्योद है। आप यदि इन चीजों का विरोध करोगे, अच्छे को अच्छा कहोगे, बुरे को बुरा कहोगे, ना जाति देख के ना धर्म देख के, तभी हमारा सपनों का जो भगत सिंह ने सोचा था ना, वो भारत बनेगा। आज के लोग मुर्दा लाश हुए पड़े हैं, कोई बहन बेटी को कुछ बोल रहा है,
आंख मूंद के तो वीडियो बना रहे या पास से जा रहे हैं, किसी गरीब को कोई मार रहा है आंख मूंद के पास से जा रहे हैं या अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो फिर क्या भगत सिंह ने ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या? वो भी तो अंग्रेजों की गुलामी चमचागिरी करके बड़े पद पर जा सकता था, लेकिन अपने प्राणों की आहुति क्यों दी आपके लिए कि मेरा आने वाला भारत स्वतंत्र हो। लेकिन अपने जो अंदर था अपने दृश्य दिख रहा है उसको अच्छे से देखिए और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।